नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके बीच नारियल की बर्फी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी पूजा वाले फ्रेश नारियल है, क्योंकि हम पूजा में यूज करते हैं ये पानी वाली। तो इसको छिलका उतार कर हमने इसका छिलकर इसका अंदर का जो काला वाला भाग है ना, उसको निकाल दी हूँ। छोटी छोटी बारीकी मैं काट ली हूँ। एक नारियल ही है। अब चलते हैं इसको मिक्सर में पीसने के लिए। तो देखिए, मैं मिक्सर जार में डाल दी हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें दूध भी ली हूँ, ताकि हमारा ये अच्छे से बारीक पिसा जाए। तो आप देख रहे हैं कितना दूध डालने की वजह से ये कितना बारीक पिसाया है, ये देख रहे हैं ना। ये बहुत ही बढ़िया बारीक हुआ है। ये हमारी बर्फ़ी के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हम इसे अब कढ़ाई में डालते हैं। तो देखिए अपने, मैंने इसको कढ़ाई में डाल दूँ पीसने के बाद। और ये हमारा आधा लीटर दूध भी इसमें मैं ऐड की हूँ। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे पर, और हम बराबर इसे चलाते रहेंगे, ताकि हमारे नीचे से पकड़े नहीं, नहीं तो पकड़ लेगा तो फिर लाल हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलाते हुए कम से कम 10 मिनट तक। तो देखिए हमारा तकरीबन ये पानी सूख गया है 10 मिनट के बाद। अब हम इसमें चीनी मिलाते हैं। तो चीनी भी हमारा आधा कटोरी है ये, क्योंकि मैं ज़्यादा इसको मीठा नहीं करना चाहती, क्योंकि नारियल तो खुद मीठा होता ही है थोड़ा। अब ये हमारा फिर से पानी छोड़ेगा चीनी डालने के बाद। मैं इसमें अब इलायची पाउडर, अगर अच्छा है आपको तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इलायची नहीं डालना चाहती हूँ, क्योंकि बिल्कुल इसका नेचुरल जो फ्लेवर होता है ना, वही इसको देना चाहती हूँ। तो मैं इसमें कुछ नहीं, बस 1/2 kg दूध, एक नारियल और छोटी कटोरी से अपना आधा कटोरी में चीनी डाली हूँ। तो इसे हम और पकाएंगे। तो देखिए हम पकाते हुए इसको चलाते हुए इसका पूरा जो पानी छोड़ा है ना, इसको जला देंगे। दोस्तों हमारे पास ये दूध है, जो दूध की ये मलाई है ना, मैं सोच रही हूँ कि इसको डालूँ थोड़ा, बहुत ही मस्त लगेगा, इससे स्पंजी बनेगा। इसे बिल्कुल फ्रेश आज की मलाई है ये दूध की। तो मैं इसे निकाल कर देख रहे हैं कि अब पानी हमारा और थोड़ा सा दूध बढ़ गया है इसका। दोस्तों मैंने चीनी इसमें 1/2 कटोरी ही डाली हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। अगर चीनी आप नहीं खाते हैं तो उसके जगह पर आप मिश्री भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। तो ऐसे ही हम चलाते हैं, उसका पानी जो भी है सब सुखा देंगे दूध। अभी और हमारा 10 मिनट लगेगा इसको सुखाने में। तो दोस्तों देखिए हमारा ये पानी सूख गया है, लेकिन फिर भी हम इसे 2 मिनट और सुखाएंगे। दोस्तों ये हमारा जो बर्फ़ी बनेगा ना, इतना बढ़िया बनता है, स्मूथ एकदम, क्योंकि हमने नारियल का जो दूध होता है उसको भी मैं नहीं निकाली, उसी में छोड़ दी हूँ, ताकि उसका जो फ्लेवर बहुत ही मस्त बने। और इसको हम 2 मिनट और चलाते रहेंगे, ताकि नीचे से हमारा पकड़े नहीं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक रेसिपी बनाई नारियल की खीर, तो आप हमारे उस रेसिपी को ज़रूर देखिए, अगर नहीं देखे होंगे तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो भी बहुत ही मस्त बना। तो ये हमारी नारियल की बर्फ़ी बन रही है। फिर और नारियल की और सारी रेसिपियाँ मैं आपको बताती रहूँगी, बहुत ही आसानी से, कोई झंझट वाली नहीं रेसिपी होती है हमारी। आप बिल्कुल इसको आसानी से सीख सकते हैं। हम गैस को बंद कर देते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक प्लेट ली हूँ, प्लेट में मैं थोड़ा सा घी डालकर हाथों से अपने मैं मिला लेती हूँ। अपने हाथों से दबाते हुए इसे आपको कितना मोटा पतला रखना है, देख रहे हैं दोस्तों। मैंने ये सबको एक बराबर करके चिकना कर दी हूँ। और इसको हम 1 घंटे के लिए बाहर रख देते हैं, ताकि ये हमारा सेट हो जाए। अगर आपके पास फ्रिज है तो आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट करने दीजिए, इसके बाद हम कट लगाते हैं। तो हमारा देखिए फ्रिज में रखे हुए 10 मिनट हो गया है। अब मैं इसे निकाल ली हूँ। अब इसको हम शेप देते हैं बर्फ़ी का। आप चाहें तो चारकोन दीजिए या बर्फ़ी का कर दीजिए। तो देखा दोस्तों, मैंने सारे ये बर्फ़ी को काट कर निकाल ली हूँ। तो देखिए मैं कितना सुंदर से ये हो गया। देखिए मैं प्लेट में से निकाली हूँ, ताकि बटर पेपर दोस्तों किसी घर आता है, किसी के घर नहीं रहता है, या हर एक सामान, हर एक चीज़ हर एक किसी के घर अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए मैं बिल्कुल देसी आपको जुगाड़ बता रही हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं ना मेरी बर्फ़ी कितनी बढ़िया, बिल्कुल शुद्ध घर की बना हुआ मिठाई है नारियल की। कितना बढ़िया, जो घर में हमारा सामान है, चीनी, दूध और हमारा नारियल, इसमें कोई नई चीज़ ऐसा मिला है जिसके आपके घर ना हो। तो बहुत ही आसानी से बन गया हमारा। देखिए मैं तोड़कर दिखाती हूँ, कितना आसानी से, कितना बढ़िया से टूट गया। ये खाने में भी वैसा ही टेस्ट है इसका, बिल्कुल मैं नारियल का फ्लेवर दिया उसमें, कोई मैं ड्राई फ्रूट, कोई मावा और कोई मतलब इलायची पाउडर कुछ नहीं मैं डाली हूँ। तो देखिए हमारा ये बर्फी
तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एक बार बनाकर इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू।